नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बार फिर एक नया नवाचार देखने को मिला। मौका था प्रदेश के पूर्व विधायकों के गेट टू गेदर का, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को लंच पर आमंत्रित किया। कार्यक्रम की खास बात ये भी रही कि इसमें पूर्व विधायकों का सम्मान भी हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांगें भी सुनी। इस नवाचार का विधानसभा की प्रणाली को और आगे ले जाने में कितनी मदद मिलेगी, आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। उससे पहले एक बार फिर एक नया नवाचार देखने को मिला, जिसकी पहल खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की। प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों के लिए एक गेट टुगेदर रखा गया। इसमें पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब अध्यक्ष ने एक साथ सभी पूर्व विधायकों को भोज पर आमंत्रित किया हो। दरअसल इस गेट टुगेदर का आयोजन काफी समय पहले ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने पद संभालने के बाद सभी पूर्व विधायकों को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, आपने विधानसभा के कई सत्रों को देखा है, विधानसभा की प्रणाली और कार्यवाही को आगे ले जाने में मदद मिले, इसके लिए आप अपना मार्गदर्शन दें। जिसके बाद ये गेट टुगेदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सभी पूर्व विधायकों ने भी इस नवाचार की सराहना की और विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद भी दिया। आज सच में मध्य प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने विधानसभा की, जब से विधानसभा बनी होगी आज तक की कार्रवाई में एक ऐतिहासिक और रचना कर डाली है। आज देखिए कितना खिलखिला रहे लोग, 10-10 वर्षों बाद भेंट हो रही, कोई 5 वर्ष बाद, कोई 15 वर्ष बाद, हम सब साथ में काम किए हैं। अपन याद कर सकते हैं कि पूर्व छात्र सम्मेलन जब होता है तो क्या भावनाएं रहती, और इस नाते मैं सोचता हूँ सम्मेलन उपस्थिति और अध्यक्ष महोदय ने जितना प्यार भरा, जितना सद्भाव और अपनत्वपूर्ण उन्होंने प्यार दिया है, ऐतिहासिक। अगर देखा जाए सर, तो ये नया नवाचार गिरीश गौतम जी द्वारा कैसा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं, ये एकदम मैं सोचता हूँ कि शक्ति को पहचानने का काम गिरीश जी ने किया, माननीय अध्यक्ष जी ने। मैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पूर्व विधायकों को बुलाकर एक तो उनका सम्मान किया और यहाँ पर एक सम्मेलन के रूप में, देखो बहुत सारे लोग बहुत पुराने टाइम से उनके पुराने अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई 4-4, 5-5 बार इस विधानसभा में जो लोग चुन के आए हैं तो उनका अनुभवों का लाभ बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और आज ये विधानसभा उन्हीं की वजह से आज अपन इतने सब कुछ, इतने लोग आ पाए उन लोगों की वजह से। उन्होंने कहा था कि कोई समस्या अगर होती है पूर्व विधायकों की तो उसका भी निराकरण जो है किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो व्यक्तिगत उनसे आके मिले, उनके समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। पूर्व विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं, जिनमें पेंशन की राशि बढ़ाने, शासकीय कार्यक्रमों में पूर्व विधायकों को बुलाने सहित अन्य मांगे शामिल रही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना था पूर्व विधायकों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, इसके अलावा रेस्ट हाउस के 25 कमरे विधायकों के लिए रिजर्व किए जाएं। प्रस्ताव वही कि कूपन का एक कर दिया जाए, फर्स्ट एसी का कर दिया जाए, बाहर के जो कूपन है उसके लिए एयर टिकट की सुविधा हो जाए, क्योंकि अलग से कुछ भी देना, उसमें जो बाहर के कूपन राज्य के मिलते उसी कूपन को जमा करके एयर का किराया लेना। इसलिए मैंने कहा कि अलग से मैं स्वतः उनकी जो बातें हैं, विचार है या कोई समस्या है तो मैंने अपने को केंद्र मानते हुए उनसे आग्रह किया है कि वो मेरे पास भेजें और संबंधित अधिकारियों को या संबंधित विभाग को मैं उसकी तरह कार्रवाई का, उनकी समस्याओं के निराकरण का मैं व्यक्तिगत प्रयास करूं। अब देखना होगा इस नवाचार से विधानसभा की प्रणाली को और आगे ले जाने में कितनी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN। तो इस नए नवाचार में क्या रहा खास और इसका भविष्य में क्या होगा इम्पैक्ट, चर्चा इसी पर शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में मौजूद है, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक,
हमारे साथ पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शंकरलाल जी, सवाल आपसे ही, पूर्व विधायकों का सम्मेलन बड़े खुश उत्साहित नजर आए सभी पूर्व विधायक। बड़े लंबे अरसे बाद ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला विधानसभा में। इसका जो आज इम्पैक्ट हुआ वो तो आपने चर्चा में बताया और हम अभी सुनेंगे आपसे, लेकिन भविष्य में इसके क्या और प्रभाव देखने को मिलेंगे ये भी समझेंगे। देखिए, मेरे को अन्य बातों को अभी आपने लिया भी नहीं, इसलिए बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को इस एक जो आज इवेंट हुआ, इस इवेंट आज गेट टुगेदर था विधायकों का, इस इवेंट से एक चीज आज निकली है जिसे गिरीश जी ने पहचाना, माननीय अध्यक्ष जी ने। आखिर 230 राइफल्स हैं हमारे पास, मिसाइल्स हैं हाउस के अंदर जो जनता के लिए चलती, पर आज 800 से अधिक ऐसे लोग, हजार के आसपास, सही संख्या नहीं है मेरे पास, जो मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक के नाते काम करते हैं, दे आर लीडर। वो अपने टाइम के नेता रहे, छात्र जीवन से तमाम लोगों ने काम शुरू किया, बहुत लोगों ने, और छात्र जीवन से लेकर के विधायक ऐसे नहीं बनता भाई साहब, वो वर्षों काम करता है, जन सुविधाओं में जुटता है, जनता के लिए जीता मरता है, और उसकी जो स्वीकारिता देखती है पार्टियां, तो कोई ना कोई पार्टी उसे टिकट दे देती है, वो एक बार विधायक हो जाता है, और उसके बावजूद कई बार टिकट नहीं मिलती, कई बार चुनाव हारते हैं लोग, पर वो लीडर होता है। यदि सरकार चाहे, मैं ऑफर कर रहा हूं अपना व्यक्तिगत, कि सरकार हमको पेंशन दे रही है, हमने मांगी नहीं थी, हमको पहले से पेंशन और तय थी, उस पेंशन को हमें मिल रहा, 10-5 हजार बढ़ा देंगे, 25 हजार बढ़ा देंगे, उससे भी कोई बहुत बड़ा अंतर न सरकार को पड़ने वाला है, न विधायकों को बहुत पड़ने वाला है, कुछ विधायकों को बेचारों को निश्चित रूप से फायदा होगा कि उनकी दवाई दारू ठीक से हो जाएगी, परिवार में बहुओं से उनको चाय मिल जाएगी, पर एक शक्ति है ये पूर्व विधायक आपके मध्य प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जनता की सेवा के लिए। मैं चुनाव हारा, फिर भी 50,000 वोट मुझे मिले हैं, आज वो 50,000 लोग जो विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके, विभिन्न नेताओं को ठेंगा दिखा करके मुझे वोट जिनने किया, वो कहाँ जाए, वो किसके पास जाए अपने दुख सुख लेकर के। इसलिए मेरे को अटेंड करना मेरी नैतिक दायित्व में आता है कि मैं उनको अटेंड करूं। विधायक को दैनंदिन काम करना पड़ता है, तो पूर्व विधायक को भी उतना ही काम करना पड़ता है। यदि सरकार चाहे तो फिजिकली जो विधायक फिट है, उन विधायकों से तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के मॉनिटरिंग का काम, और ये आज एक मांग नहीं हुई है कोई, आज एक ही बात कही अध्यक्ष जी ने, अगर वो कुल एक ही बात हो जाए तो मैं सोचता हूँ मेरे जैसे विधायक के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, और जनता के लिए कि प्रोटोकॉल पूर्व विधायक का कोई बनाया जाए, वो मिनिस्टर के रैंक का ना हो, विधायक के रैंक का ना हो, संसदीय सचिव के रैंक का ना हो, पर इतना तो हो कि कलेक्टर अगर हम जाए तो हमको बैठने के लिए पूछ ले, हम कोई जनता की मांग लेकर के जाए, कोई समस्या बताए तो उसको भी प्राथमिकता दे, हम उसे पत्र लिखे तो उस पत्र का उत्तर हमको भेज दे, ये तो ना हो कि हम शासकीय फंक्शन में बुलाए ना जाए। आज हमारे स्मार्ट सिटी बन रही है, उसका पूरा प्रावधान मेरे समय में बना था, मैं चुनाव हार गया, कांग्रेस का वहां से विधायक है, वो बेचारा उन बैठकों में जाता नहीं है, क्यों नहीं जाता है? ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, और मेरे को पूरी प्लानिंग मालूम है, पर कलेक्टर मुझे बुला नहीं पाता। ठीक बात। और इसलिए यदि हम लोगों को जनता की सेवा के लिए, वी आर लीडर, बिल्कुल, अगर हमें थोड़ी सा प्रोटोकॉल दे दिया जाए तो हम लोगों के और सरकार के बीच में एक सेतु का काम जन कल्याणकारी योजना हम कर सकते हैं। आधा सेकंड, आप रिटायर्ड डिविजनल इंजीनियर डी, रिटायर्ड एसी, रिटायर्ड सी की चार की जांच करवाते हैं, कोई सड़क बने, कोई पुल बने, कोई पुलिया बने, उनको बड़े बड़े वेतन पे आप रखते हैं, हम वेतन भी नहीं मांग रहे, हम वेतन भी नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल, पर यदि आप हमसे भी कुछ काम लो तो हम सोचेंगे जो पेंशन का नमक देते हो ना, हम अदा तो वैसे भी कर रहे हैं जनता की सेवा, उसको हम और ठीक से अदा करेंगे, बिल्कुल, हमको रिस्पांस मिलेगा, बिल्कुल रिस्पांस मिलेगा। पुष्पेन्द्र नाथ जी,
शंकर लाल जी ने कहा कि अब बाकी तो आप समझ ही गए, आप मुस्कुरा रहे थे, तो ये एक पीड़ा है एक पूर्व विधायक की कि कम से कम एक जनप्रतिनिधि यदि कभी ऐसा होता है कि उसे टिकट ना मिले, चुनाव हार जाए, लेकिन उसको एक प्रोटोकॉल के तहत इतना वेटेज मिले, पार्टी में मिलता है, संगठन में मिलता है, लेकिन सरकार में भी बराबर ऐसा वेटेज मिले कि कम से कम उसको कुछ कार्यों के लिए कलेक्टर को यदि वो फोन लगाए या जिम्मेदार अधिकारी को फोन लगाए तो उसकी बात सुनी जाए, क्योंकि उसके पास भी वही लोग आते हैं। वोटिंग तो जब बराबर होती तो हार जीत होती, लेकिन कुछ ऐसा आंकड़ा जैसा फिगर दिया तिवारी जी ने कि 50,000 वोट मिले थे, तो वो जनता की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, तो वो जनता की उम्मीदों को साकार रूप देने का प्रयास है तिवारी जी का कि ये फ्रस्ट्रेशन है कि हमें कुछ नहीं है, कुछ पावर मिल जाए। शंकर लाल जी की बात को हम आगे बढ़ाए देते हैं, बड़े भाई हैं, बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, ना इन्हें और ना हमें, दोनों जन को किसी तरह के प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। जब जनता की आवाज हम रोज उठाते हैं, रोज कलेक्टर को, एसपी को, आए दिन एसडीएम को दिन में 4 बार फोन लगाते कि ये आया वो आया, तो अपने आप प्रशासन समझ जाता है कि ये जनता के टच में रहने वाले